हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट स्ट्रीट। दिस इज वीडियो नंबर 15 और इस वीडियो में हम बात करते हैं अपने चैप्टर नंबर 5 में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। किसकी? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या है। मैंने आपको पिछली वीडियो में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना बताया था। यहां हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की, यानी गुडविल का ट्रीटमेंट किस प्रकार से एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में किया जाएगा। तो देखते हैं, सबसे पहली बात आती है कि गुडविल लाता कौन है। तो देखिए, एडमिशन ऑफ पार्टनर में न्यू पार्टनर एडमिट होता है, न्यू पार्टनर आता है। जब न्यू पार्टनर आता है तो अपने साथ दो चीजें लाता है। जब भी आपका न्यू पार्टनर आएगा तो वो अपने साथ दो चीजें लाएगा, एक तो लाएगा कैपिटल और दूसरा लाएगा गुडविल। क्यों लाता है? कैपिटल आता है वो फर्म के लिए, फर्म में इंट्रोड्यूस करनी है कैपिटल, तो इसलिए वो कैपिटल लेकर के आता है। और जो गुडविल लाता है, वो गुडविल लाता है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स यानी कि ओल्ड पार्टनर्स के लिए, इसके लिए ओल्ड पार्टनर्स के लिए, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो अपने शेयर में से कुछ सेक्रीफाइस करके न्यू पार्टनर को दे रहे हैं। सीधी सी बात, नया पार्टनर आ रहा है तो जो पुराने पार्टनर हैं वो अपने शेयर का कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करेंगे, तो सेक्रीफाइस करके न्यू पार्टनर को देंगे। तो इसलिए जो वो पार्टनर अपने शेयर को जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जितने रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं उतने रेशियो में ही उसको उनको गुडविल की अमाउंट दी जाती है एज अ कंपनसेशन। भाई कि आपने अपना अपना शेयर इतना सेक्रीफाइस किया है तो इसके बदले में आपको ये अमाउंट एज अ गुडविल के रूप में दी जा रही है। तो इसलिए जो न्यू पार्टनर आता है वो कैपिटल लाता है जो कि फर्म में सीधी इंट्रोड्यूस की जाती है। सेकंड ऑफ गुडविल लाता है जो कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दी जाती है। गुडविल को आप क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में यानी कि पुराने पार्टनर्स में किसमें बांट देंगे, इन सेक्रीफाइसिंग शेयर, इन सेक्रीफाइसिंग शेयर। और सेक्रीफाइसिंग शेयर का मैं फॉर्मूला आपको कल यानी पिछली वीडियो में नोट करा चुका हूं, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो क्लियर कहता है गुडविल जो होगी, जो न्यू पार्टनर लाएगा उस गुडविल को हम एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब बात ये आती है कि अगर हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं तो न्यू पार्टनर जब गुडविल लेकर के आता है या कैपिटल लेकर के आता है तो उसके लिए हम एंट्री क्या पास करेंगे। तो देखिए, जब भी न्यू पार्टनर आपकी कैपिटल या गुडविल को लेकर आएगा यानी कि ब्रॉट करेगा, तो ऐसी सिचुएशन में जो एंट्री पास होगी आपकी, वो एंट्री पास होती है बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट टू। अगर कैपिटल लेकर के आ रहा है तो कैपिटल के लिए ले देंगे टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। न्यू पार्टनर्स की जगह पर उस व्यक्ति का नाम आ जाएगा, मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति आ रहा है तो टू एज कैपिटल अकाउंट हम नोट करेंगे, और साथ में गुडविल भी लेकर के आ रहा है तो इसी एंट्री में हम गुडविल को भी शो करा देंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट। ओके, जितने भी कैपिटल आया उतने पे कैपिटल, जितने पे गुडविल आया उतने पे गुडविल, टोटल बैंक या कैश में अमाउंट। देखिए यहां पर ये प्रीमियम ऑफ गुडविल तब नोट की जाएगी जबकि वो गुडविल की अमाउंट को नगद लाता है यानी कि कैश में लाता है। तो कैश में लाएगा तभी कैश में आप गुडविल को ट्रांसफर करेंगे। गुडविल को कई प्रकार से ला सकता है न्यू पार्टनर, गुडविल को ऐसा नहीं कि नगद ही लेकर आएगा, कई प्रकार से ला सकता है न्यू पार्टनर गुडविल को। कैश में भी ला सकता है, बैंक में भी ला सकता है, उधार भी ला सकता है, एसेट्स में भी ला सकता है, और पार्शियल कैश में भी ला सकता है यानी कुछ उधार कुछ नगद। तो सभी सिचुएशन में हम क्या करेंगे वो यहां पर हम वन बाय वन करके देखेंगे। तो आइए, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है अगर गुडविल को वो नगद लेकर के आता है, ब्रॉट इन कैश लेकर के आता है यानी कैश में लेकर के आ रहा है गुडविल को, तो आप सीधी एंट्री लाने की ये पास करेंगे। ओके, एंट्री यही पास होगी। अगर वो कैश में लेकर के नहीं आ रहा है,
गुडविल उधार है तो यहां पर गुडविल को नोट किया ही नहीं जाएगा, क्योंकि तो गुडविल नगद वो ला ही नहीं रहा है, केवल कैपिटल नगद ला रहा है, तो कैपिटल को हमने नोट कर दिया है ओनली। ओके, अगर वो एसेट्स में लेकर के आता है, वो अगर गुडविल को एसेट्स में लेकर के आता है तो हम क्या करेंगे, तो देखिए उसके लिए सीधा सा ऑप्शन है कैश की जगह पर एसेट्स लग जाएगा, केवल एसेट्स अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल भी साथ में लेकर के आ रहा है एसेट्स में ही, तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट। ठीक है, ये आपका हो गया प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। एसेट्स में ले आया, मान लीजिए मशीनरी ले आया, लैंड ले आया, बिल्डिंग ले आया, तो उन सभी को हम डेबिट दिखाएंगे और ये आपका न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट भी आपका क्रेडिट हो जाएगा। ये हो गया जब वो असेट्स में लाता है। ओके, अब बात करते हैं कि जब हम वो गुडविल लेकर के आता है तो उस गुडविल का ट्रीटमेंट किया कैसे जाएगा, पुराने पार्टनर्स में बांटा कैसे जाएगा, तो ये रख कर देता हूं मैं। तो देखिए अब वन बाय वन आपको सभी एंट्री में बताऊंगा। यहां पर सबसे पहली एंट्री आपने पास की है, पहले नंबर पर जब नया पार्टनर आया तो वो कैश में या बैंक में गुडविल को लेकर के आया, तो उसके लिए एंट्री पास होगी आपकी बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल लाने के लिए, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट गुडविल लाने के लिए। ठीक है, अब जब वो गुडविल ले आया तो इस गुडविल को हम क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में उनके सैक्रिफाइजिंग शेयर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो उसके लिए एंट्री पास क्या होती है, जब हम गुडविल को एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे, तो ध्यान देंगे उसके लिए एंट्री पास होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट भी हो सकता है। अगर आपकी कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट आएगा, ये तो आपको पता ही है, और फ्लक्चुएटिंग मेथड से कर रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट ही आएगा, यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। यानी कि मान लीजिए हमारे पास दो पार्टनर हैं, पुराने ए और बी और नया पार्टनर सी आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में एंट्री पास क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीच कैपिटल अकाउंट, और किस रेशियो में बांटा जाएगा, ये इन सैक्रिफाइजिंग, किसमें सैक्रिफाइजिंग शेयर, ये जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा गुडविल ये की जाएगी सैक्रिफाइजिंग शेयर में डिस्ट्रीब्यूट। ओके, अब बात करते हैं हम, अगर वो कहते हैं, क्वेश्चन कहता है कि गुडविल को पार्टनर्स के द्वारा विड्रॉल कर लिया जाएगा, गुडविल को पार्टनर्स के द्वारा विड्रॉल कर लिया जाएगा या रिटर्न ऑफ कर दी जाएगी, तो ऐसी सिचुएशन में एंट्री पास क्या होगी, तो उसके लिए एंट्री पास होगी फिर क्या करेंगे, पार्टनर्स उस गुडविल को विड्रॉल कर लेंगे, गुडविल को विड्रॉल कर लेंगे। जब गुडविल को विड्रॉल करेंगे तो ऐसी सिचुएशन में एंट्री पास क्या करेंगे, देखेंगे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। ओके, यानी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, यानी कि पुराने पार्टनर्स के द्वारा गुडविल को विड्रॉल कर लिया गया है तो वो गुडविल विड्रॉल कर ली जाएगी इसी रेशियो में, सैक्रिफाइंग रेशियो में ही। तो ये तो हमारी हो गई किसके लिए, यानी कि तब गुडविल हमारी न्यू पार्टनर्स लेकर के आता है तो ऐसी सिचुएशन में हम ये एंट्री पास करेंगे। और अगर मान लीजिए गुडविल अगर उधार होती है, गुडविल क्या होती है, गुडविल अगर उधार होती है तो ऐसी सिचुएशन में आप यहां पर गुडविल अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे,
बल्कि पार्टनर्स के नेम को डेबिट कर दिया जाएगा, क्योंकि उधार की कंडीशन जानते हैं कि नेम नोट किया जाता है, तो इसलिए यहां पर पार्टनर्स के नेम को नोट कर दिया जाएगा जो आपका न्यू पार्टनर होगा। तो यहां पे जो एंट्री होगी वो होगी न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, गुडविल नोट नहीं किया जाएगा, पार्टनर्स का नेम नोट किया जाएगा, मतलब सी आ रहा है तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। ओके, अब हम बात करते हैं अपनी एक एग्जिस्टिंग गुडविल की। एग्जिस्टिंग गुडविल बोले तो ओल्ड गुडविल जिसे हम कहते हैं। ओल्ड गुडविल क्या होती है, ये रफ कर दूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए ओल्ड गुडविल के लिए हम बात करेंगे, ओल्ड गुडविल यानी कि एग्जिस्टिंग गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल वो गुडविल होती है जो कि हमारी बैलेंस शीट के अंदर गिवर होती है, वो हमारी एग्जिस्टिंग गुडविल कहलाती है। एग्जिस्टिंग गुडविल को हमेशा पार्टनर्स क्या करते हैं, पार्टनर्स उसको रिटर्न ऑफ कर लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में एंट्री पास क्या होती है, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। यानी कि मान लीजिए एग्जिस्टिंग पार्टनर के पास ए और बी है, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ये किया जाएगा इन ओल्ड रेशियो में, इसमें ओल्ड रेशियो ध्यान रखें, ओल्ड गुडविल को हमेशा ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सीधा सा सिंपल सा मेथड है, अगर ओल्ड गुडविल है तो ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ओके, तो ये हमारी हो गई एग्जिस्टिंग गुडविल की एंट्री, क्लियर। तो ये लगभग आपके पॉइंट थे, अब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इसी करके देखेंगे, उस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के आधार पर देखेंगे कि गुडविल का ट्रीटमेंट यहां पर किस प्रकार से किया जाएगा। तो आइए एक आध प्रैक्टिकल प्रॉब्लम उठा लेते हैं आपकी बुक का, देखते हैं। तो देखिए ये है आपका एक छोटा सा क्वेश्चन, इसको हम एक बार सॉल्व करके आपको बताते हैं कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं, ये कह रहा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3। एक्स एंड वाई पार्टनर है एक फर्म के अंदर 4:3 में। ऑन 1 अप्रैल 2019 दे एडमिटेड जेड एज अ पार्टनर, जेड पार्टनर के रूप में आ रहा है। जेड ब्रॉट इन 1 लाख रुपीज फॉर हिज कैपिटल एंड 21,000 रुपीज फॉर 1/3 ऑफ गुडविल। यानी कि वो कह रहा है जेड जब आ रहा है तो 1 लाख रुपए कैपिटल के रूप में ला रहा है और 21,000 रुपए अपने 1/3 शेयर के लिए लेकर के आ रहा है, यानी जेड का शेयर कितना 1/3। ऑन जेड एडमिशन गुडविल अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट 28,000 रुपीज। जेड जब एडमिशन हो रहा है तो उस समय पर जो पुस्तकों में गुडविल है वो हमारी 28,000 रुपीज की है। इट मीन्स ये कौन सी गुडविल हो गई, एग्जिस्टिंग गुडविल। ये हमारी एग्जिस्टिंग गुडविल है, यानी ओल्ड गुडविल है जो ऑलरेडी हमारी अकाउंट्स की बुक्स में रखी हुई है। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज, तो आपको एंट्रीज पास करनी है तो कैसे करते हैं आइए। सबसे पहले न्यू पार्टनर आ रहा है और कैपिटल आ रहा है 1 लाख की और 21,000 की गुडविल लेकर के आ रहा है, तो उसी की एंट्री हम पास करेंगे। नगद लेकर के आ रहा है, सो जो फर्स्ट एंट्री होगी वो होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट, ओके, टू जेड्स। अब यहां पर जेड क्या ला रहा है, कैपिटल ला रहा है, तो इसलिए टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, ओके, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, क्योंकि वो प्रीमियम को भी लेकर के यानी गुडविल को भी लेकर के आ रहा है। अमाउंट कैपिटल 1 लाख ला रहा है और गुडविल 21,000 लेकर के आ रहा है, टोटल 1,21,000 रुपीज ले आया। ये फर्स्ट एंट्री होगी आपकी कैपिटल और गुडविल लाने की न्यू पार्टनर्स के द्वारा, ओके। तो ये फर्म अपने यहां पर ये एंट्री पास करेगी। सेकंड एंट्री हम क्या करते हैं, जो गुडविल लेकर के आया है न्यू पार्टनर्स, इस गुडविल को हम एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में उनके सैक्रिफाइजिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ओके। तो देखिए सैक्रिफाइजिंग रेशियो पहले हम निकाल लेते हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो में दे रखा है 4:3 और जेड आ रहा है अपने 1/3 शेयर के लिए। तो देखिए जब भी सिचुएशन आपकी ऐसी हो कि जहां पर
ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो डायरेक्ट वे में दे रखा है, वर्किंग नोट छोटी सी कर देते हैं एक बार देखते हैं यहाँ पर, यानी कि एक्स रेशियो वाई, इनका आपको ओल्ड रेशियो गिवन है 4:3 और न्यू पार्टनर यानी कि जेड एडमिट हो रहा है और जेड का जो शेयर है वो है उसका 1/3। अगर इस प्रकार की सिचुएशन आपको कभी भी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर कि ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो दिया हुआ है ओल्ड और न्यू पार्टनर से डायरेक्ट वे में शेयर दिया हुआ है और कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, कोई न्यू प्रॉपर्टी रेशियो नहीं दे रखा है, ना ये बता रहा है उससे इतना ले रहा है उससे इतना ले रहा है, कुछ नहीं कह रहा है, सिंपल ये दे रहा हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में ध्यान रखें सैक्रिफाइंग शेयर निकालने की आपको आवश्यकता नहीं है, टाइम वेस्ट ना करें अपना, क्योंकि सैक्रिफाइंग शेयर आपका ऐसी सिचुएशन में वही होगा जो कि आपका ओल्ड शेयर है, एक्स और वाई का सैक्रिफाइंग शेयर वही होगा जो कि आप एक्स और वाई का ओल्ड शेयर है। आप चाहें तो एक बार निकालकर भी देख सकते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो आप फाइंड आउट कर लीजिए और उसके बाद में ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करके सैक्रिफाइंग शेयर आप एक्स और वाई का आप निकालकर देख लीजिए, 4:3 ही आएगा। तो इसलिए यहां पर हमें सैक्रिफाइंग शेयर निकालने की आवश्यकता नहीं है, ऐसी सिचुएशन में हमेशा सैक्रिफाइंग शेयर वही होता है जो कि पार्टनर्स का ओल्ड शेयर है। तो यहां पर सैक्रिफाइंग शेयर क्या होगा 4:3 ही होगा, क्या होगा 4:3 ही होगा। तो यहां पर हम जो गुडविल अमाउंट है 21,000 रुपीज इसको हम सैक्रिफाइजिंग शेयर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो उसके लिए एंट्री पास क्या होगी वो करते हैं। देखिए प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, सिंपल एंट्री है। गुडविल को हमने दोनों पार्टनर्स में बांट दिया है, किस रेशियो में, सैक्रिफाइजिंग रेशियो में। ध्यान रखना न्यू गुडविल हमेशा ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइजिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर टॉपिक पर। ओके तो यहां पर गुडविल थी आपकी कितनी 21,000 रुपीज, सो 21,000 रुपीज को आपने एक्स एंड वाई में बांट दिया है उनके सैक्रिफाइजिंग रेशियो में, यानी 4/7 और 21,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाई 3/7 कितनी कितनी आ जाती है, ये आ गई 12,000 रुपीज, ये आ गई आपकी 9,000 रुपीज, 12,000 एंड 9,000। सो एक्स को आपने 12,000 गिवन की एंड वाई को 9,000 दी और टोटल 121,000 रुपीज। इस प्रकार से आपने न्यू गुडविल को 21,000 को सैक्रिफाइजिंग शेयर में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। वर्किंग नोट रेफर देता हूं, तो यहां पर न्यू पार्टनर्स कैपिटल गुडविल लाया, उसकी एंट्री पास हो गई, फिर हमने उस गुडविल को एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में उनके सैक्रिफाइजिंग शेयर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये सेकंड एंट्री पास हो गई। अब थर्ड एंट्री को कह रहा है ऑन जेड्स एडमिशन गुडविल अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट 28,000 रुपीज, यानी कि जो गुडविल हमारी फर्म की पुस्तकों में 28,000 की पड़ी हुई है, रखी हुई है, यानी कि ये ओल्ड गुडविल है। कैसी है, ओल्ड गुडविल है, एग्जिस्टिंग गुडविल है, और मैंने आपको बताया है एग्जिस्टिंग गुडविल हमेशा पार्टनर्स के द्वारा रिटर्न ऑफ कर ली जाती है, तो इसके लिए एंट्री पास करेंगे एग्जिस्टिंग गुडविल के लिए। ठीक है, मैं नोट भी कर देता हूं यहां पर 4 एग्जिस्टिंग गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल के लिए। तो देखिए गुडविल आपके पास 28,000 रुपीज की, तो एग्जिस्टिंग गुडविल हमेशा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, किसमें, ओल्ड रेशियो में, और कौन सी, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो एंट्री पास क्या होगी इसके लिए, एक्सिस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि रिटर्न ऑफ कर लेते हैं डायरेक्ट इस गुडविल को, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू गुडविल अकाउंट। यहां पर प्रीमियम फॉर गुडविल लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि गुडविल के लिए कोई प्रीमियम नहीं लगा है, हमारे पास ओल्ड ही गुडविल है, इसलिए आप डायरेक्ट टू गुडविल अकाउंट नोट कर सकते हैं एग्जिस्टिंग में। तो ये एंट्री आपकी पास हो गई है एग्जिस्टिंग गुडविल के लिए, इसमें 28,000 रुपीज की गुडविल है, तो 28,000 रुपीज को आप ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 28,000 रुपीज वर्किंग नोट में देख लेते हैं, एक्सिस शेयर कितना होगा और वाई शेयर कितना होगा, 28,000 रुपीज को हमने ओल्ड रेशियो में, यानी ओल्ड रेशियो कितना है, एक्स और वाई का 4:3 है, तो 4/7 और 3/7 में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो कितना कितना आया,
वो देखते हैं 16,000 रुपीज एक्स का और 12,000 रुपीज वाई का, यानी कि एक्स का लिखेंगे हम 16,000 रुपीज और वाई का लिखेंगे 12,000 रुपीज, टोटल 28,000 रुपीज आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, रिटर्न ऑफ कर दिया है। तो ये है एग्जिस्टिंग गुडविल की एंट्री, क्लियर होगी होगी। पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, यहां पर ये आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट है, जिसमें न्यू पार्टनर्स के द्वारा गुडविल और कैपिटल लाने की एंट्री हो गई, न्यू गुडविल को एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में सैक्रिफाइंग शेयर में डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री हो गई, एंड एग्जिस्टिंग गुडविल आपको गिवन है, तो एग्जिस्टिंग गुडविल को हमने रिटर्न ऑफ कर दिया है ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा ओल्ड रेशियो में। ओके, तो इसी प्रकार के सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, यही ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है, ज्यादा कुछ नहीं है। और जब आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे तो जो भी गुडविल से रिलेटेड आपके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होंगे उनमें जो भी डाउट्स होगा वहां पर क्लियर किए जाएंगे। तो वहां पर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से रिलेटेड जितनी भी आपके क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप सॉल्व करके देखें ज्यादा से ज्यादा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स थ्रू पूछ सकते हैं, वरना नेक्स्ट वीडियो में जब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आपको समझाएंगे तो वहां से वो क्लियर होता हुआ ऑटोमेटिक चलेगा। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।